सलमान ने कहा कैटरीना के कान में, चलो हलवा खाने चलते हैं रामपुर में अनिल भाई की दुकान में। हेलो गाइस, फाइनली आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल विजिट विद अनुराग में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अनिल जी की शॉप, जिसका नाम है रामपुर स्वीट, जो आपकी रामपुर में है। गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं, ये रहे शॉप के ओनर। ये आपका नाम क्या है? अनिल यादव। जो आपकी जो शॉप है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ओपन रहती है, आप किसी भी टाइम यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। एंड भैया, जो आपके वेराइटीज है, क्या क्या वेराइटीज रहेंगी आपके पास? हलवे की क्वालिटी भी अलग अलग है, मेरे पास हलवा अंडा है, हलवा तो आप खाते थक जाएंगे, बट यहाँ पे हलवे की वेराइटीज कभी भी खत्म नहीं होंगी। वो आएगा वो 230 रुपए से स्टार्ट होता है और एंड प्राइस उसका आएगा 560 रुपए। एंड जो आप यहाँ पे बनाते हैं, आप केक वगैरह में भी डीलिंग कर देंगे? जी जी, बर्थडे केक होता है, शादी में जाता है। अगर आप लोग हलवे के बहुत ही ज्यादा शौकीन है, अगर आप लोगों को मिठाई खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप लोग एक बार यहाँ पे आके हफ्सी हलवे का केक भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ केक दिखाएंगे। गाइस आप लोग देख सकते हैं, पहले के कितने ही ज़्यादा यूनिक दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं दिल के शेप में केक है। अगर भैया कोई इस तरीके का एनिवर्सरी के लिए केक बनवाते हैं, तो उसका क्या चार्ज रहेगा? 500 रुपये से लेकर सारी क्वालिटी 250 रुपये, 500 रुपये। गाइस आप यहाँ पे शॉप पे आके भैया से 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की रेंज का केक बनवा सकते हैं। ये केक नॉर्मली आपका 250 रुपये का, 250। आप लोग छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे केक की क्वालिटी चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो आईज बना रखेंगे, नोज बना रखी है, स्माइली बना रखी है। ये केक बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इसकी भी आपकी रेंज 250 रुपये से ही स्टार्ट रहेगी। अगर छोटे बच्चे तो इनके लिए अलग केक बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा। एंड देन भैया, जो आप केक है आपके पास, अलग अलग वराइटीज की मिठाई है, हफ्सी हलवे को दिखा सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हलवे की जो पैकेजिंग है, जो आपका एक किलो का डिब्बा की पैकेजिंग देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर रामपुर स्वीट्स लिखा हुआ है, और आगे का लुक देख सकते हैं कितना ही ज्यादा एलिगेंट दिखाई दे रहा है। देन आप पीछे से भी देख सकते हैं, पीछे का लुक कितना अच्छा एलिगेंट दिखाई दे रहा है। और डिब्बा खोलता हूँ, डिब्बा खोल के साथ क्या क्या चीज़ें आपकी। भैया का जो हफ्सी हलवा है, कितना ही ज्यादा प्यारा हफ्सी हलवा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूरा हलवा है, देन यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स में इनके पास पिस्ता लगा रखा है इन्होंने, काजू लगा रखा है, और प्लस आपके हर एक चीज़ को आपको बादाम का स्पॉट दिखाई देगा। हर एक पीस यहाँ पे बादाम लगा रखा है, ऐसा नहीं है कोई भी सस्ता काम कर रखा हो, सब कुछ इतने ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का इन लोगों ने काम कर रखा है। और प्लस इसकी वैरायटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड भैया, अगर इसकी रेट क्या होगा आपका? 500 रुपये। क्वांटिटी हो कितनी, मतलब आपका 500 ग्राम आधा किलो, 1 किलो कितना है? जी जी, 1 किलो का। ये आपको 1 किलो मिलेगा 500 रुपये में, आपको 1 किलो हलवा मिलेगा, जहाँ आपको 500 रुपये में नॉर्मल शॉप पे जाते हैं केवल केक खाने के लिए मिलता है, किसी बेकरी में जाते हैं, और यहाँ पे केवल आपको 500 रुपये में इतना अच्छा हलवा मिल रहा है। देन देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कितने लगे हुए, आप कम से 100-150 रुपये के, तो लोगों ने ड्राई फ्रूट्स ही लगा रखेंगे। अगर आप लोग केवल यहाँ पे हलवा टेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोगों का बजट नहीं है कि 250-300-500 रुपये का आप खरीद सके, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको 25 रुपये में 4 पीस मिल रहे हैं, वो भी रामपुर के फेमस हफ्सी हलवे के। चलिए मैं यहाँ से भैया से कहता हूँ कि भैया यहाँ पे लगाएंगे आपके 25 रुपये में 4 हलवे के भी, तो कौन कौन से पीस हैं यहाँ से हम पता करते हैं। भैया तो भैया से मंगाते हैं आपको 25 वाला हलवा। तो ये रहे आपके सामने 25 रुपये में 4 पीस हफ्सी हलवे के। और प्लस आपके 4 पीस देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे कंडीशन ये नहीं कि आपका 25 रुपये का हलवा है तो उसमें आपको बादाम लगे हुए नहीं मिलेंगे। 25 रुपये के हलवे में भी आप यहाँ देख सकते हैं बादाम लगे हुए मिले हुए, यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं करी गई है टेस्ट के मामले में। गाइस मैं आपको बताऊँ, हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जवाब टेस्ट है इस हलवे का। जैसे मैंने इसे खाया, ऑटोमेटिकली मेरे मुंह में जाके मेल्ट हो चुका है। और मैं आपको एक कंडीशन बताऊँ, ये रामपुर का सबसे ही फेमस हलवा है, जो नवाबों के समय से चलता आ रहा है। ये इनकी जो शॉप है वो रामपुर स्वीट्स के नाम पे फेमस है, ये काफ़ी ज़्यादा। आप कोतवाली के पास आगे किसी को पूछें कि अनिल भाई की शॉप है रामपुर स्वीट्स की, जो आपका हफ्सी हलवा बेचते हैं, तो इजली आपको कोई भी बता देगा शॉप के बारे में। देखो शॉप खोल में मात्र अभी 3 साल हुएंगे, और इससे पहले भैया के पापा थे, जिनका फोटो मैं साइड में यहाँ पे लगा दूंगा। अगर आप लोग भैया के पापा को जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उनके हल का टेस्ट कैसा था। रामपुर के जितने भी लोग हैं वो सब हफ्सी हलवे के दीवाने हैं। अगर आप लोगों ने रामपुर में रहकर हफ्सी हलवा नहीं खाया, तो आपका रामपुर में रहना बेकार है। मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, तो प्लीज आप लोग ये रेफरेंस जरूर दें कि आप लोग हमारी वीडियो देख के आए, जिससे आपको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। भैया आपने कौन सा विजिट किया, आप कितनी बार तक आ चुके हैं आपकी शॉप पे? आप लोग देख सकते हैं कहाँ, अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप केवल एक ही बार शॉप पे जाते हैं, उसके बाद आप शॉप पे जाना अवॉइड कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं भैया खुद बता रहे हैं, 20-25 बार भैया शॉप पे आके विजिट कर चुके हैं और टेस्ट ले चुके हैं, तो आप भी एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें, एक बार टेस्ट जरूर लेके देखें। और अगर आपको टेस्ट पसंद आए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यहाँ का हफ्सी हलवा कैसा लगाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।